नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द होल CIS टीम, फ्रॉम डॉक्टर सुनीता गांधी, डॉक्टर भारती गांधी, डॉक्टर जगदीश गांधी। वी हार्टली कंग्रेचुलेट एवरी वन ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। इस शुभ दिवस को हम हर साल मनाते आए हैं एक कोई थीम को लेकर। इस बार का जो हमारा थीम है वो है कोरोना से फ्रीडम। हम कोरोना से फ्रीडम कैसे पाए, ये हमारा थीम है। वी आर नॉट ट्राइंग टू डिफीट कोरोना। नाउ हाउ टू डिफीट कोरोना? कोरोना से डिफीट करने के लिए हमें कोई कंटेनमेंट जोन नहीं चाहिए, हमें कोई एरिया को रेड जोन डिक्लेयर नहीं करना है। हमें कोरोना से फ्रीडम कैसे मिलेगी? वी हैव टू बी अ कॉन्शियस सिटीजन। कॉन्शियस सिटीजन का मतलब कि हमें हमेशा ये सतर्क रहना है कि हम जो कर रहे हैं वो अपने हाइजीन को, हमारा हाइजीन उसमें मेंटेन हो। जैसे हाथ धोना, अपने जूते चप्पल बाहर निकाल कर घर में अंदर आना, अपना खाना घर का, खुद का घर का बना हुआ खाना खाना, बाहर का खाना बिल्कुल बच्चों को नहीं देना, और सबको नमस्ते करना, सबसे हैंडशेक नहीं करना। ये सब जो हमारी पहले भारतीय संस्कृति में ये सब बातें रही हैं, आज पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि इंडियन के जो रिलीजियस साइकिल है वो पूरे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हैज सेड इन हिज स्पीच, वन ऑफ हिज स्पीच, दैट द इंडिया इज वेरी अहेड इन हिज इन द रिलीजियस साइकिल। सो इस शुभ दिवस पर हम सभी आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम अपने आप को कैसे सेफ रखें, कैसे हम अपने आप को इस बीमारी से मुक्त कैसे रखें। इसी के लिए हम आज, मैं और मेरी सभी टीचर्स आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। पहले मैं छोटे बच्चों से शुरू करूँगी। छोटे बच्चों को जो रोज़ करना है वो है नाइट ब्रशिंग। रोज रात को आपको अपने दांतों को साफ करके सोना है। एंड आई रिपीट दैट दिस नाइट ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुड हाइजीन टू मेंटेन। तो जो सुबह की जो हाइजीन है उसको हम रात से ही शुरुआत करें। नाइट ब्रशिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे अभिभावक, हमारे पेरेंट्स ने, कि उनके बच्चे रात को अपने दांत साफ करके सोएं। हमारे भारत में जो मसाले हैं, स्पाइसेस, उन्हीं का काढ़ा जो हम बना के आजकल हम सभी लोग पी रहे हैं, ये भी साबित हो चुका है कि काढ़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब ये हमने इस चैलेंज को सिर्फ हम ही नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व के स्कूल्स ने इस चैलेंज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। सभी स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हैं। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है हमें एक नई चीज़ सीखने के लिए। हमें कैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम में, हमें कैसे वेबएक्स पर अपनी क्लासेस को रन करना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, हमारे टीचर्स के लिए और हमारे बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। सो ये ऑनलाइन क्लासेस जो हम रन कर रहे हैं, ये भी एक हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है कुछ नया सीखने के लिए। तो ये कोरोना है, कोरोना इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस, इट कैन बी अ ब्लेसिंग फॉर अस। तो हम सब लोग इसको इस तरह से ना देखें कि ये हमारे लिए बहुत एक ख़राब चीज़ लेकर आया है। यस, हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि आप स्कूल में जल्दी से वापस आ जाएं, हमारे बच्चों का वो खेलना, वो उनकी हंसी, वी आर मिसिंग देयर स्माइल्स इन द स्कूल। बट जब तक ये टाइम चल रहा है, जब तक ये कोरोना टाइम चल रहा है, तब तक हमारी आपसे यही एक विनती है कि आप अपने घर में ऑनलाइन क्लासेस को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि यही तरीका है हमारा आपसे जुड़ने का। जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, वैसे ही आपकी ऑनलाइन पूरी इकोनॉमी है, आपके बैंकिंग सिस्टम्स हैं, वो सब कुछ आपके ऑनलाइन ही चल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया है, एक बहुत अच्छा वक्त है आप सभी के लिए कि आप कुछ नया सीखें, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। और जिन 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 बच्चों को फिल्म बहुत अच्छी लगती है उनके लिए ऑनलाइन फिल्म भी रिलीज़ हो रही है।
आपको अमेजन प्राइम वीडियो पे नई फिल्म देखने को मिल जाती है. सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन इन दिस चैलेंजिंग टाइम. बट एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जब स्क्रीन टाइम को बढ़ा रहे हैं, आपकी सारी ऑनलाइन क्लासेस जब स्क्रीन टाइम आपका बच्चों का आपके बच्चों का जब बढ़ रहा है, तो ये एक अभिभावक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के अलावा स्क्रीन को ना देखें, फोन्स को ना देखें, लैपटॉप्स को ना देखें, क्योंकि उनकी आँखें एक बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ा वरदान है. तो वो सिर्फ उन्हीं क्लासेस के लिए अपनी अपनी आँखों का इस्तेमाल करें, उनको ज़्यादा ना स्क्रीन टाइम पे आप रखें, सिर्फ क्लासेस तक ही स्क्रीन टाइम पे रखें. बाकी ऑफलाइन वो बच्चे बुक्स पढ़ सकते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर असाइनमेंट्स, दे कैन प्रिपेयर फॉर देयर एग्जामिनेशन ऑफलाइन. सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा बच्चे को स्क्रीन पर ही रखें. सो ये एक वर्ड ऑफ कॉशन है इन दिस चैलेंजिंग टाइम कि बच्चा ज़्यादा स्क्रीन पर ना रहे, स्पेशली छोटे बच्चे जो कि प्ले ग्रुप से लेकर फोर्थ क्लास तक के बच्चे हैं, वो ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना रखें. और इसका एक जो बहुत बड़ा मुझे एक एडवांटेज जो दिखता है वो ये है कि जो हमारा टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन था, बच्चों का वैन में बैठना, वैन से स्कूल तक आना, ये टाइम बच्चों का बचता है, ये टाइम माँ बाप का भी बचता है. तो उस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की स्किल्स डेवलपमेंट में, बच्चों को किसी भी तरह से एक्टिव रखने में, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स है, चाहे वो कोई घर में कोई जो उनके जितने भी गेम्स हैं उन्हीं में उनको इन्वॉल्व रखने के लिए. सो ये जो टाइम अगर हम सब इसकी जिम्मेदारी लें, हम एज अ पेरेंट हम ये जिम्मेदारी लें कि हमारे बच्चे कैसे एक्टिव रहेंगे थ्रू आउट द डे, इसका तब ये जो टाइम है, ये जो हमारा कोरोना टाइम है, ये बहुत आसानी से निकल जाएगा और हमारे बच्चे सेफली हमारे पास वापस आएंगे और हम फिर से एक बार फिर से हम सब लोग मिलजुल कर इस शुभ दिवस को मिलजुल कर मनाएंगे. आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये सिर्फ कुछ आपकी ही प्रेरणा, हम आपसे ही प्रेरणा लेकर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं. नहीं तो सभी को इस मुश्किल टाइम पे इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हम आज सब आपके बिना ध्वजारोहण करेंगे, झंडा फहराएंगे. इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का दिन बहुत अच्छे से मनाएंगे. मेरी आप सबसे फिर से यही विनती है कि आप सभी लोग आज का दिन बहुत हर्षोल्लास से मनाएं, जैसे हमारे बच्चे हमारे स्कूल में मनाते थे. बच्चों को किसी भी तरह के पेट्रियोटिक सॉन्ग्स पे या फिर किसी भी तरह की कोई पेट्रियोटिक फिल्म आप उनको आज दिखाएं, जिससे कि बच्चे आज का दिन आज का पर्व घर पे ही बैठकर अच्छे से मना पाएं. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम ये आज सभी पूरी CIS टीम यही कामना करती है कि हमारा भारतवर्ष प्रगति की ओर इसी तरह से बढ़ता रहे और हम लोग इस कोरोना से बहुत जल्दी फ्रीडम पाए. जय हिंद, जय भारत, जय जगत. नमस्कार. टुडे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल. एंड एज यू ऑल नो इट इज फ्रीडम फ्रॉम फियर. And as you all know, it's a very challenging time. So I hope we all shall overcome this challenge. And we all hope to see you soon in school. We all are missing you all. Bye. Children, are you missing me? We all are missing you today. And in this time, you should get rise above fear and don't get disappointed. And very soon we'll meet again in this school. Thank you, everyone. Good morning, everyone. A very happy Independence Day to all. This pandemic coronavirus is a blessing in disguise, which will help a person replan and build a positive approach to life. The present day pandemic is a warning from God, so that the man takes lead, realize his shortcomings, and inculcate the spirit of thanksgiving in himself. The pandemic taught us the importance of simple living and high thinking. That nothing is as motivating and as precious as a simple lifestyle. So I hope you stay safe. Very soon we will meet in the school. Thank you. On this auspicious day, let's remember the sacrifice of our freedom fighter in saving of the nation. Likewise, we can save our nation by staying home and protecting each other. Hello
wish you all a very happy Independence Day. I hope you all are fine and healthy at home. So stay safe and take care. Hello students, wish you all a very happy Independence Day. I hope you all are fine at home. So stay home, stay safe, stay healthy. Thank you. Dear students, in this pandemic time, we understood the real meaning of unity and the value of our family and friends also. So yes, we will fight together with this situation. Stay home, stay safe. Man have become far too reckless in this pursuit of materialism, and this pandemic is like being nudged out of his overview. If we understand its importance, it would be seem like a second man's mind and compel him to rethink about his life and priorities, because in rethinking lies the secret of learning and discovering new ideas. Thank you. Happy Independence Day to all of you. Keep our attitude positive and fight the coronavirus by staying home, staying safe. Jai Hind, Jai Bharat. As our environment is more clean and it is more green now, we have learned the value of food and value of family, value of unity. So likewise, we will fight with this coronavirus, and we hope we will meet together. Jai Hind. आन देश की शान देश की हम संतान है, तीन रंग से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है, जय हिंद। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म This is the day for all of us to celebrate the honor of our country. This is the day to remember the sacrifices of freedom fighters whose efforts gave us independence. Since independence of our country has developed rapidly in the field of agriculture, education, manufacturing, science, sports, technology and many more. But India is also facing some problems like terrorism, poverty, inequality, corruption, etc. Let us all pledge to do our best and overcome these problems.
Let us all work together and make country the best country of the world. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. तेरी नदियों में बह जाऊं।
सलामत रहे, तू सलामत रहे। बहारे चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इल्म की रोशनी हर जगह हम करें। पूरा फेरे कुफन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। वारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महसूस रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ मेरी जमी महसूस रहे मेरी, तेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। सरसों से भरे खुलेआन मेरे, जहाँ झूम के पंगड़ा पा ना सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस आ ना सका। ओ वतनावे, ओ वतनावे, वो तेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरे मुखड़े पे मैं, कितना नसीबो वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, कुड़ बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की यार हू। भारत माता की जय, भारत माता की जय।